हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, एनसेल हेम की सीरीज चल रही है। इसमें आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और रैंडम क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एग्जाम में आपके आएंगे, क्योंकि वहाँ भी आपको रैंडम क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले। कुछ सिक्वेंस क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में, और इस बार ऑनलाइन मोड में पेपर होना है, तो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए उलट फेर होने वाला है इस बार, ठीक है ना। और कट ऑफ जो बहुत ज़्यादा जो टेंशन ले रहे हैं, कट ऑफ की टेंशन आप लीजिए ही मत। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन इस बार पक्का आपका हो जाना है। और फ्रेंड्स, आज मेरे को थोड़ा जुकाम खांसी भी हो रहा है, थोड़ा अगर बीच में डिस्टर्बेंस हो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसलिए कल वीडियो आपको दे भी नहीं पाया। लेकिन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही दिन हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस मेरी मेहनत तो जाए मत जाने दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो जल्दी जल्दी से हम वीडियो शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, और ये डीआई का क्वेश्चन है, डाटा एंटरप्रेन्योरशिप। और इसका क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिला एग्जाम में, कि टीसीएस इस तरह के सवाल जरूर पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा हुआ, आपको हिंदी समझा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ एक टेबल हमको दी हुई है, यहाँ पर हमको प्रिंटर दिया हुआ है और दिन दिए हुए हैं, ठीक है ना। प्रिंटर एक्स वाई जेड है और दिन है सोमवार मंगलवार बुधवार। ये तो समझ में आपको आता है, इतना तो इंग्लिश समझ सबको आती है, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे, ठीक है ना। तो एक्स प्रिंटर इतने प्रिंट करता है, वाई प्रिंट इतने प्रिंट करता है, और जेड प्रिंट इतने प्रिंट करता है। तो सवाल हमसे क्या पूरा सवाल नीचे देखो लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग द 33 डेज। तो सवाल ये कह रहा है कि जेड प्रिंटर जो है, खाली जेड प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, तो एक्स वाई को मत देखो, आप उसको देखने की जरूरत आपको है ही नहीं, आप जेड पर सीधे ध्यान करो। पूछ रहा है कि लास्ट 3 दिन में उसके द्वारा एवरेज कितने पेज प्रिंट किए गए। एवरेज देखो, सवाल मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था लास्ट वीडियो मैथ में भी। तो देखिए, इस तरह सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं डाटा एंटरप्रेन्योरशिप में, आप कैसे करेंगे। तो एवरेज मैंने आपको सिखाया था, जो भी संख्याएं दी हुई थी उनका योग कर दो और जितने नंबर उतने से भाग कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। सिंपल से ही फंडा समझाया था ना मैंने आपको। तो हमको जेड का पूरा, तो जेड को हम जोड़ लेते हैं। देखो, जेड को हम जोड़ेंगे तो जेड के जेड प्रिंटर तो ये है, तो सोमवार को इसने इतना करा, मंगलवार को इतना करा, बुधवार को इतना करा, इसी का हमको एवरेज निकालना है। तो हम क्या करें, सबको जोड़ लेंगे, तो ये हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तो आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5। 588 पेज ने प्रिंट करे मंडे ट्यूजडे वेनेसडे को, हमको एवरेज निकालना है। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर है, हम 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, ये हो जाएगा 3 1 3 बचेगा 2, तो 3 3 9 27 और 3 6 18, 196 पेज उसने एवरेज प्रिंट करे। तो 196 हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बताइए, इस सवाल देखने में बहुत डर लगेगा, जो उसने पहली बार करेगा उसको लगेगा ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन कुछ नहीं होता इस सवाल, सिर्फ आपको डाटा को पकड़ना है, डाटा को बस समझना है आपको। अगर वो वाई का पूछता तो वैसे वाई का भी निकाल लेते हैं, वाई को सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर, अगर एक्स का पूछता तो इसको भी निकाल लेते, अगर तीनों का साथ ही पूछता तब भी आप आंसर निकाल सकते थे। कैसे, जैसे इसका जोड़ के जो इसका एडिशन आता, इसका एडिशन आता, इसका एडिशन आता, फिर डिवाइड बाय कितना आप करते, तब भी आप 3 ही करते, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 प्रिंटर हो जाते, तो आप 3 से ही डिवाइड करते हैं आप, ना कि 9 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी कुछ नए तरीके से सवाल आपको कराऊंगा मैं, समझ लीजिए। आपको देखने थोड़ा लगे कि बड़े कठिन कठिन सवाल करें, सवाल नहीं आएंगे, लेकिन जो अगर आप सवाल तैयारी कर लेंगे ना, तो और भी एग्जाम में आपके काम आ जाएगा। सिर्फ एनसेल के पर्पज से नहीं है, या अदर एग्जाम के पर्पज से भी है, कि आपका सिलेक्शन होए अगर आप नौकरी के प्रति सीरियस हैं तो। और अगर घूमना है तो उधर यूट्यूब पर फिरना है, आवारागर्दी करनी, तो कर सकते हो, उससे मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं तो मेरी लाइफ में बहुत सेटल हूँ, ठीक है ना, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट मुझे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड। तो फ्रेंड्स, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, ठीक है ना, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के मुख्यालय जरूर आपके याद होने चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, यूनिसेफ का पूछा जाता है। तो फिर इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। और एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूनेस्को, अगर आपसे यूनेस्को पूछेगा तो उसको भी याद कर लीजिए, यूनेस्को होता है आपका पेरिस में, ठीक है ना, जिनेवा लगा के मत आ जाना। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूछेगा तब आप आंसर लगेंगे जिनेवा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड, जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था हमारा, ठीक है ना, मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट है उसमें था, बाद में इसको हटा दिया गया इसको। अब ये कौन सा आर्टिकल में आ गया, ये हमारे 30A में आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये आपका कानूनी अधिकार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, परिवहन के संदर्भ में PUC का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PUC इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड, मैंने PUC इस पर मैंने पूरी सेपरेट वीडियो आपको पढ़ाई थी, मैंने उस पर PUC समझाया भी था, उन्हें PUC क्या होता है, तो ये होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3।
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इस साइन का मतलब क्या है, दिस साइन मीन्स, इस चिन्ह का अर्थ क्या है। तो आपने देखा होगा मैंने आपको रोड ट्रैफिक सिग्नल जब आपको पढ़ाया था तो उसमें ये सिग्नल नहीं मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए सिग्नल को लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन, ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्रॉस रोड है या पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है या नैरो ब्रिज है या रेलवे क्रॉसिंग है। तो मैक्सिमम लोग तुक्का अगर मारेंगे ना तो सोचेंगे यार ये पटरी पटरी जैसा लग रहा है, तो रेलवे क्रॉसिंग लगा के आंसर आ जाएंगे, अगर जो थोड़ा तेज बुद्धि वाला बच्चा होगा, ठीक है ना, जो सार माइंड का बच्चा होगा। तो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स ये पेडिस्ट्रियन होता है, जो बड़े शहर रहते हैं उनको पता होगा, जैसे जो दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में जो रहते हैं वहाँ पेडिस्ट्रियन रोड पार करने के लिए, पेडिस्ट्रियनों के लिए अलग से जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी पैदल यात्री क्रॉसिंग। तो अगर आपको पैदल यात्रा अगर आपको क्रॉस करना है रोड, आप इसी के जरिए करेंगे, आप आधा जा करेंगे तो आप एक्सीडेंट आपका हो सकता है, यहाँ पे आके गाड़ी वाला खुद ही हल्का अपनी स्पीड स्लो कर लेगा, उसको पता है आगे भैया रोड पार करने का यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, TCS का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और अच्छा अच्छे एग्जाम उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। जहाँ तक आप कोई वैसे एग्जाम उठा लीजिए, चाहे रेलवे का, चाहे ग्रुप डी का, चाहे NTPC का, चाहे SSC CGL का, MTS का, उसमें हर उसके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो पहला इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर था ना, वो आपको दिमाग बैठा लेना है, वो था बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब इसका पब्लिश कब हुआ था, ये ईयर ही पूछा जाता है, तो आपको ईयर याद रखना है 1718 यानी 1780 में इसका पब्लिकेशन हुआ था कलकत्ता में, किसके द्वारा, जेम्स ए हिक्की के द्वारा। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, जेम्स ए हिक्की, ठीक है, जेम्स ए हिक्की के द्वारा क्या कहता था, 1782 में क्या कर रखा था, इस समाचार पत्र में पाबंदियाँ लगा दी गई थी, अंग्रेजों ने उसको सीज कर दिया था इसको, क्योंकि इसके द्वारा क्रांतिकारी अपनी भैया न्यूज़ पे छापते थे तो लोगों के अंदर ज्वाला पैदा होती थी, हाँ यार हमें देश की आज़ादी, लड़ाई लड़नी है, वो लड़ना है, तो ये है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बंगाल गजट, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में, देवप्रयाग में। तो फ्रेंड मैं तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था SSC MTS पेपर में, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन संगम वगैरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो मुझे तो इसका आंसर पता है। देखो भागीरथी अलकनंदा नदी जहाँ मिलती हैं वो मिलती है देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी, यहीं पे जब मिलती हैं तभी वो संयुक्त तो धारा जब बनती हैं, कि जब अलकनंदा मिलेंगी और भागीरथी मिलेंगी, जब मिलके एक बनेगी ना जब एक, तो उसी को हम गंगा बोलते हैं। देखो गंगा नदी ऊपर से नहीं आती है, जब वहाँ से आती है, जब अलकनंदा भागीरथी जब देवप्रयाग मिलती है ना, उसके बाद ही गंगा नदी बनती है, जब हरिद्वार से होते हुए और जगह सब जगह जाती है, इसमें कांवड़िया बहुत आ रहे हैं हरिद्वार के अंदर। तो गंगा नदी एकदम गंगा नदी नहीं बनती है, वो अलकनंदा भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है, ये आपको याद रखना है, जिनको नहीं, जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको पढ़ के जाने फ्रेंड्स, करंट के भी और प्रीवियस करंट के भी, ठीक है ना, और करंट अफेयर की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, जो पहला ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो आपके हुआ था साउथ अफ्रीका में, कब हुआ था ये भी याद रखना है, 2007 में टूर। और सबसे अच्छी बात है कि जो पहला वर्ल्ड कप जीता भी इंडिया ने ही था, हमने ही जीता था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि पहला ICC T20 वर्ल्ड कप किसे जीता था, तो आप गर्व से कहिएगा हमने जीता था भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मटकी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो फ्रेंड फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना। और मटकी लोक नृत्य को इसलिए मैंने लिया है क्योंकि एग्जाम पूछा जा रहा है, और दूसरा ये वहाँ से बिलोंग करता है जहाँ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, कहाँ के लिए, MP में ही पढ़ता है ना NCL, तो वहाँ वहीं का डांस है ये मटकी लोक नृत्य, तो आपको लोकल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, और MP का आपको करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको पढ़ता होना चाहिए, वहाँ क्या क्या स्कीमें चल रही हैं, ठीक है ना, और क्या क्या वहाँ के बारे में अच्छाइयाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, पर्यटन स्थल वगैरह जो भी हैं, वो आपको अलग से पढ़ के जाना है, क्योंकि देखो जिस स्टेट का एग्जाम होता है ना, उस स्टेट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे बाहर के अपने जब एग्जाम कराते हैं तो महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, क्योंकि भाभा टोमरी सेंटर वो वहीं पर है, आपके मुंबई में ही है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ अलग से, हालांकि मैं तो कवर कराऊंगा क्वेश्चन, लेकिन आपको भी अलग से अपने आप से भी तैयारी करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द हाइएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इसका आंसर है क्या, धूपगढ़।
और कहेंगे धूपगढ़ तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, तो विंध्याचल कहाँ पड़ता है भैया? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछेगा तब भी आप से धूपगढ़ी लगाएंगे। इन्हें क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया एग्जाम, यही अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा देता है तो बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पजल नहीं होना, आपको तैयारी अपनी स्मार्ट लेवल ही करनी है, ठीक है ना। पारसनाथ कहाँ की है? पारसनाथ भी मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ की है? ये झारखंड की है, ठीक है ना। झारखंड की है या वहाँ की है? छोटा नागपुर पठार की, ये मुझे बताइएगा, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार है इसका आंसर या झारखंड है? और गुरु शिखर सबको पता ही है किसकी है, गुरु शिखर अरावली की। गुरु शिखर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया भी था। गुरु शिखर कहाँ की? अरावली की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये पक्का आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये रिसेंटली हुआ था, कब हुआ था? 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में ही हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? पहले तो आपको होस्ट कंट्री पता होना चाहिए, किस देश ने इसका आयोजन किया था। तो संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड ने किया था और ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ये आपको पहला क्वेश्चन पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताता है, मैंने बहुत वीडियो बहुत लोग बच्चे पढ़ने जिनसे पढ़ते भी होंगे ना, आप देखना कभी उस चीज़ आपको आंसर बताएगा, अगला क्वेश्चन करा देगा। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे वो, ठीक है ना। क्योंकि मुझे एग्जाम का तरीका पता है, पैटर्न कि आज का एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है। तो हॉस्ट कंट्री अगर आपसे पूछा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था, तो आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने करवाया था। कौन जीता? अब क्वेश्चन में आते हैं तो उसका राइट आंसर है स्पेन। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। कौन सा स्कोर हुआ था? 1-0 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? 382, 322, 272, 232, 202, और अगला क्या आएगा? तो इस सीरीज का क्वेश्चन है, अब हमको पकड़ना पड़ेगा इनके बीच डिफरेंस कितने का है। देखो तो कम हो रहा है इसका, अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो कितना डिफरेंस हो रहा है आप देखिए, 382 से अगर 322 तो जाएंगे, कितना डिफरेंस हो रहा है? तो 2 में 2 गए 0 और 60, यानी 60 यहाँ पे 60 कम हुआ है। अब यहाँ पे अगर जाते हैं तो 2 में 2 गया 0 और 32 27 गया 5, यानी 50 कम हुआ है। इसका मतलब ये 60 50, तो अगला जाए तो 40 होगा। अगर 40 कम करेंगे तो 232 जाएगा, ठीक है। और अगर हम 30 कम करेंगे तो हमारा 202 आ जाएगा, तो -30 होगा। तो अगला क्या होगा? -20 होगा। अब 202 में से अगर हम 20 घटाएंगे कितना आएगा? आप खुद ही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या आंसर आएगा? 182 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा 182, ऑप्शन नंबर थर्ड। कुछ था सवाल में? कुछ नहीं था। सीरीज में क्या है आपको सीरीज पता है? सीरीज में या तो स्क्वायर होगा, या तो प्लस होगा, या फिर अंदर प्राइम नंबर का डिफरेंस दे देगा आपको। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंस था, पहले 60 का डिफरेंस हुआ, फिर 10 कम करा, फिर 10 कम करा, फिर 10 कम करा, फिर अगला 10 हमने कम कर दिया, बस आंसर हमारा आ गया। बस आपको पकड़ना है उस पर चल क्या रहा है सीरीज के अंदर, और वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन मार्क की जगह वही होगा, पहले तो हमको पकड़ना पड़ेगा भाई यहाँ चल क्या रहा है। अब जैसे यहाँ 7 7 से 94 हो गया, 6 8 से 84 हो गया, तो कैसे हुआ भैया? पहले हम यहाँ लॉजिक पकड़ेंगे तभी तो हम अगला लॉजिक लगा पाएंगे। रीजनिंग का मतलब क्या है? लॉजिक, आपको लॉजिकली सोचना है आपको, जो जैसे एग्जाम ने कहा है। तो देखो अगर जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मेरा लॉजिक सही हुआ तो देखो 7 × 7 कितना होता है, बच्चा तो बता देगा 49। और अगर इसी को मैं रिवर्स करके लिख दूँ तो कितना हो जाएगा? 94। अगर यहाँ लिखा जिसने है 94, अब 6 × 8 करूँगा अगर मैं, अगर लॉजिक चल रहा है तो 6 × 8 करूँगा कितना आएगा? 48। और इसको अगर रिवर्स कर दूँगा तो कितना हो जाएगा? 84, ठीक है। तो 11 9 जा कितना होता है? 99। इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, और 99 को जैसे भी लिखो 99 ही रहने हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोगों को बारिश हो रही कि नहीं हो रही? यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है भाई, मुझे खुद बारिश एक दिन भीग गया था मैं, और मेरे को सर्दी जुकाम तो लग गया है, मेरे खुद बड़ी हालत ख़राब है। आज मैं खुद ऑफिस भी नहीं गया हूँ, इसलिए मैंने कहा आज आप लोग वीडियो डाल के पढ़ाते हैं, और 2 वीडियो दूंगा आपको मैं, अगर स्वास्थ्य मेरा ठीक रहेगा शाम को 1 वीडियो मैं और दूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो प्रीवियसली कट ऑफ किया गई थी, और इस बार कट ऑफ जाने की संभावना क्या है, कि कट ऑफ का खेल बहुत तगड़ा होने वाला है इस बार फ्रेंड्स। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर मैंने अपलोड करी तो, और बच्चों डिमांड भी बहुत आ रही है। अगला क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो टीचर्स का क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन वो लेके आया ना जो आज के ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों लगेगा बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा तो पेपर आएगा ही नहीं, तो भैया देख लेना जब पेपर आएगा तो। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो छोड़ने में से जरूरत ही नहीं है, ये देखो तो सीरीज दिया हुआ आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ये चल रहा है, और ये ऑप्शन है ABCD, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, पैटर्न पकड़ना पड़ेगा आपको, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो आपका 3 हुआ, देखिए यहाँ आपको पहले देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, इन दोनों पहले कंपैरिजन कीजिए। तो देखिए ये नीचे हो गया, ये नीचे आ गया, बाकी दो ऊपर है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक ही नीचे हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हम जब कंपेरिजन इधर करेंगे तो इसे कंपेरिजन इधर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर था इतना नीचे आया, यानी क्लॉक वाइज चल रहा है, फिर देखो अगली सीरीज में यहाँ पे आया, तो यानी जैसे पर अगली सीरीज में यहाँ पे आएगा। अब देखिए स्क्वायर यहाँ पे किस किस ऑप्शन में, या तो देखो ऑप्शन नंबर ए में है या ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना, यानी पैटर्न हमको पकड़ने में आ गया। इसका मतलब बी और डी तो आंसर नहीं होगा। चलो आधी हमारी मुसीबत दूर हो गई कि हम 50-50% पर आ चुके हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद देखो उसका देखो एक आंसर हमारा ऑलरेडी मिल गया, उसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, पूछो कैसे, यही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे चल रहा था, देखिए ये पैटर्न यहीं पर है कि नहीं है, देखो यहाँ पे तो इसी जैसा है, ये तो फॉलो कर रहा है लेकिन ये वाला चीज़ फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा हमारा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो पैटर्न को पकड़ना होता है कि पैटर्न चल कैसा रहा है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, सबको बड़ा ध्यान देखना होता है इन क्वेश्चनों को, और ये क्वेश्चन बड़े पक्के नंबर होते हैं इनमें, आपने थोड़ा दिमाग लगा लिया तो ज़्यादा सी मेहनत होती है, खाली गणित और जीके से बहुत अच्छा होता है रीजनिंग, इस पर आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि 738 A6A11 से विभाज्य है तो A का मान क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप कभी नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, आप छोड़ कहेंगे इस क्वेश्चन को, और जिस बच्चे ने कर दिया तो वो आपसे आगे हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, एनसेल का पेपर इस बार अगर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और जानते हैं नॉर्मलाइजेशन कितना तगड़ा होता है, कम नंबर वाले ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा वाले कम भी हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ है, वो डिपेंड करेगा आपके पेपर पे, क्या आपके पेपर का लेवल हार्ड आया था, आपके शिफ्ट में पेपर कैसा लेवल है, नॉर्मलाइजेशन भी है इस बार पेपर में, ठीक है ना। ऑब्वियस लग भी रहा है कि पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है आपका, हो सकता है 50 वाले के सीधे 80 हो जाएँ और 80 वाले के बेचारे के 70-65 हो जाएँ, ऐसा होता है। रेलवे ग्रुप डी NTPC वगैरह रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें देखो ऐसा हुआ है लोगों के साथ में, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा, इसलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा सही करने हैं, तो ज़्यादा नेगेटिव करके आएगा ना तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, पहले देख लेना नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, उसको और नेगेटिव हो जाएंगे उसको, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी संख्याएं इवन है, इवन प्लेस पर हैं, इवन प्लेस, इवन संख्या नहीं, इवन प्लेस, और जो ऑड प्लेस पर हैं इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप कहेंगे जैसे एक एग्जाम्पल दीजिए तब इस क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल में जैसे देखता हूँ, मान लो 11 का स्क्वायर 121 होता है, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसके प्लस वैल्यू कितनी होगी, ये एक नंबर पर है, ये दो नंबर पर है, ये तीन नंबर है। तो मैंने भी आपसे क्या कहा था, इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस। अब देखिए ऑड वाले नंबर कौन कौन से, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, यानी इन पे कौन सा नंबर है, एक और एक, यानी एक और एक को हम जोड़ देंगे बराबर। और इवन पे कौन सा है, ये दो है, तो दो एक और एक कितना हो गया, दो, दो बराबर दो, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसके लिए संख्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब वही हमको करना है, हमको क्या दिया हुआ है, 738 A6A, और A की वैल्यू हमको बतानी है, ताकि अब A का जो वैल्यू होगा वो हमको वो मान रखना है जो डिवाइड हो जाए। ये तो उसको आप बाई ऑप्शन भी आप उसको कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन आप एक ही जगह रख के देखिए, फिर तो जोड़े घटाइए आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, तो देखो एक नंबर पे ये है, तीन नंबर पे इसको हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे, यानी 7 + 8 + 6 बराबर। अब इवन वन नंबर, अब देखो ये दो नंबर पर है तो 3 को लिख लेंगे हम, फिर ये देखो ये चार नंबर पर है इसको हम ऐड कर लेंगे, फिर देखो छः नंबर पर हम इसको ऐड कर लेंगे। देखो इवन इवन को एक तरफ ऐड कर लिया मैंने, और ऑड ऑड को एक तरफ ऐड कर लिया। अब देखो कितना हो जाएगा ये, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, यानी हो जाएगा 21। और यहाँ कितना हो जाएगा, 2A + 3 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 21 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 18 बराबर हो जाएगा 2A, तो ये 2 से 9 बार कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आ गई हमारी, ए का आंसर हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, यही हमारा आंसर है। अब इसको प्रूफ भी करके कहता हूँ, देखो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मैंने आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, आप कैसे, अब अगर आप बाय ऑप्शन करना होता तो आप कैसे करते, ये तो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। लेकिन अगर बाय ऑप्शन आप करना चाहते हैं, ज़्यादा तेज दिमाग है, तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए आप क्या करते, 738 जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है जो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं वो एक का ही तो मान दिया होगा हमको, कि क्वेश्चन में एक का ही हमसे मान पूछा गया है, तो हम एक ही जगह पे एक ऑप्शन उठाते हैं, हम मान लो हम 9 उठा लेते हैं, चलो 9 ऐसा आंसर हम 9 ही उठा लेते हैं, हम माना तो हम रफ एंड टफ में हम पहले ऑप्शन सी उठा लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं,
3 8, एक एग्जाम के लिख देते हैं 9 6, एक एग्जाम के देते हैं 9, ये हम लिखते। अब फिर हम वही करते, ऑड प्लेस को एक तरफ जोड़ देते, इवन प्लेस को एक तरफ जोड़ते, और अंतर हमारा कितना ना चाहिए, डिफरेंस हमारा है तो 0 आ जाता, तब ये 11 से डिवाइड हो जाता, या तो 11 आता तब ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 11 से। बस आपको दिमाग में ये रखना है। अब देखो ऑड प्लेस को हम जोड़ते तो क्या क्या आता हमारा, ऑड प्लेस में जोड़ते 7 आता, फिर 8 आता, फिर 6 आता। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आता, 3 9 9, 3 9 9, अभी कितना हो जाता देखो, ये हमारा कितना हो रहा था, ये हमारा 21 हो रहा था, यहाँ देखो कितना हो रहा है, यहाँ भी 21 हो रहा है, 9 9 18, 3 21, 21 बराबर 21, यानी डिफरेंस कितना आ गया 0, तो यानी ये डिवाइड हो जाता। हम अगला ऑप्शन चेक ही नहीं करते क्योंकि एक ही ऑप्शन तो होगा जो डिवाइड कर रहा होगा। तो क्या याद रखना है 11 डिविजिबिलिटी रूल में, फिर से बोल दे रहा हूँ, समझ लो, दिमाग बिठा लो, डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो संख्या आपकी 11 से डिवाइड होगी। ये तो अभी बहुत ईजी सवाल लेके आए हैं, बड़े 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 सवाल पूछे जाते हैं, आपको बड़े नंबर दे देगा और सीधा ऑप्शन क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि इनमें कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ऐसी बहुत सारा नंबर दे देगा आपको, 9 8 6 4 3, ऐसे बड़ा बड़ा ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी में, अब आपको ऑप्शन वाइज निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, तुरंत यही करेंगे, जो ऑड प्लेस संख्या उनको जोड़ दो और जो इवन संख्या में उनको जोड़ दो, जिसका अंत 0 11 आ जाएगा वही आंसर आपका हो जाएगा, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, दोनों से कुछ भी आ जाए आप तुरंत आंसर लगा देंगे। आपको वहाँ थोड़ी आप डिवाइड थोड़ी करते फिर, होगे 11 से डिवाइड करोगे कौन सा कट रहा है कौन सा, फिर तो निकल गया आपका पेपर, हो गया, कर लिया आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया जब भी इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा आपको क्या लगाना, आपको सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव का रूप क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, प्लस जब करेंगे जब बढ़ रहा है, अगर घटेगा तो क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, जो चीज़ घटेगी उसको माइनस कर देंगे, जो चीज़ बढ़ेगी उसको प्लस कर देंगे, और सब घट रहा है तो सब पे माइनस कर देंगे, यानी ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, फॉर्मूला यही रहेगा, साइन बदल जाएगा, घटेगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, बढ़ रहा है वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन हो जाएगा। अब ए बी का क्या मान है, ए का मान 8 है, बी का मान 5 है, प्लस ए बी अपॉन 100, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, और ये 8 5 हो जाएगा 40, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 0 0 ऐसे कट जाएगा, 10 चौके 40, 13.4% हमारा आंसर आ जाएगा, 13.4% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। ठीक है, कुछ था सवाल, कुछ भी नहीं था। अगला सवाल है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, इस टाइप के सवाल बहुत पूछ जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे कहते हैं इन सवालों को, मैंने करवाया भी है, बहुत बच्चे कर भी लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए बता देता हूँ मैं। देखो जो संख्या संख्या हमको निकालनी है, लेकिन संख्या को हमको रेशो को दिया हुआ है, हम रेशो को ही पकड़ेंगे, तो देखो जो संख्या हमसे जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना वही हम करेंगे। तो ये कह रहा है कि उनके वर्गों का ही हो गया ना, तो ये इन्हीं के वर्गों का तो होगा, ये जो 1856 जो प्रोडक्ट आया है वो कहने के जो संख्याएं होंगी उनका रेशो तो हमको दिया हुआ है ना, हम इसी को लेके चलते हैं, तो हम कर लेते हैं वर्गों का योग 3x2, आप कहेंगे एक्स को लगा रहे हैं कि रेशियो में, इसलिए हम एक्स लगा रहे हैं, 4x2 बराबर 1856, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब समझ में आ गया होगा, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x2, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16x2। ठीक है, इसका मान किसके बराबर, 1856 के बराबर है हमारा। अब जोड़ दो इनको, 16 9 कितना होता है 25 25 4 होता है 29, तो हो जाएगा 29x2 बराबर 1856। जब आप इसको 29 से काटेंगे तो ये 64 बार में जाएगा, 64 टाइम्स में 64, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट आया वो आया x2 बराबर 64, तो अंडर रूट निकालने कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 64, ये 8 का स्क्वायर होता है, यानी एक्स की वैल्यू जब 8 है तो हम संख्या निकाल सकते हैं, संख्या हमारा कौन सी थी 2x थी, तो यानी हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा 16, दूसरी संख्या 3x थी तो 8 हो जाएगा 24, और तीसरी संख्या थी 24, यानी 8 चौके हो जाएगा 32, यानी 16 24 32 हमारा आंसर होगा, वो संख्याएं हैं 16 24 32, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो ठीक है, अब इसको प्रूव करना चाहते हैं आप तो कैसे कर सकते हैं, इसको भी बाई ऑप्शन आप कर सकते थे, आप क्या एक एक ऑप्शन पकड़ते, आप बड़े ऑप्शन पहले पकड़ते या तो बी या डी, क्योंकि देखो संख्या बड़ी आ रही तो बड़ा ही ऑप्शन होगा हमारा। आप 16 का स्क्वायर कर लीजिए, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, अब 32 का स्क्वायर कर लीजिए, उन सबको ऐड कीजिए, आपका आंसर 1856 ही आएगा, ये सेटिस्फाइड करेगा, देखना आप करके देख लीजिएगा,
और जो ना करे तो बताइएगा मेरे को। अगला क्वेश्चन है, ये मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूँ ना, देखो स्मार्ट तरीके बताते जा रहा हूँ, जैसे आपको सवाल करना है मैं दो तरीके आपको बता के चलूँगा मैथ के सवालों में, ठीक है ना। तो जरूर अप्लाई जब क्वेश्चन सामने आ जाए तो घबराइएगा मत, तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का, रॉकेट का जो ऊपर जाना होता है वो किस सिद्धांत का करता है? ये आपका करता है मोमेंटम कंजर्वेशन पर, यानी संवेग सेठल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, यानी विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द क्वेरिंग ऑफ ब्लड। देखो क्वेरिंग ऑफ ब्लड जानते हैं, अगर ये नहीं होगा तो क्या खून आपका बहता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगी आपकी मौत हो जाएगी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट विटामिन है वो है हमारा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इफ वाई बराबर 5 देन वट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 वाई अंडर रूट वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। अगेन मैथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, घबराना नहीं है, देखो ये सवाल देखिए घबराना नहीं है आपको, कैसे करना है मैं तरीका बताऊंगा आपको सॉल्व कैसे करना है। कैसे करेंगे, वाई बराबर 5 दे रखा है ना हमको, इसका लो वाई की जगह हमको 5 रखना है ना, हम वाई की जगह 5 रखेंगे चुपचाप। हमको दिया क्या इक्वेशन, हमको ये दिए ना स्क्वायर 10 वाई बराबर वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, इसकी ये है अंडर रूल के अंदर, बस इसी को देख के बच्चे घबराएंगे। क्यों घबराना है भाई, 10 वाई तो है, इसको ऐसे ही रहन दो, अब इसको अंडर रूल कर लो। अब देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं ना, वाई स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा वाई माइनस वन। अब जब ये वाई स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये वाई निकलेगा, क्योंकि देखो अंडर रूल लगा हुआ है, जब स्क्वायर की चीज़ स्क्वायर से बाहर निकले तो क्या आएगी सिंगल चीज़ आएगी, यानी बाहर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वाई इंटू वाई, अंदर क्या बचा वाई माइनस वन। अब सवाल आपका सॉल्व हो गया, अब देखो इंटू 10 वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा, फाइनली हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 10 वाई स्क्वायर अंडर रूल वाई माइनस वन। अब वाई की जगह मान रख दो, देखो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25.250, यहाँ 250 हो गया, अंडर रूल यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1, 5 में से जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2, यानी 250 इंटू 2 हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 250 इंटू 2 बराबर 500, राइट आंसर आ गया। कुछ था सवाल में, कुछ था सवाल में नहीं था, हमने क्या करा सबसे पहले यहाँ से वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया, वो वाई जब निकलेगा बाहर तो वाई हो गया, यानी बाहर हो गया 10 वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह हमने 5 रखा तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25.250, इतना हमारा सॉल्व हो गया। अंदर बचा था वाई माइनस वन, तो 5 में से 1 जाएगा 4, 4 कंट्रोल कितना होता है 2, तो 250 का दोगुना हमने कर दिया, हमारा आंसर आ गया 500, राइट आंसर हमारा 500 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इतने बढ़िया क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, अगर इसके बाद जब सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो भैया आपका भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, उसके अलावा आपको मतलब तैयारी करते रहना है। ये रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 38 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 5, 1 है, यहाँ 42 हो गया, यहाँ 6 है, 7 है, 2 है, 89 हो गया, 3, 4, 7, तो यहाँ क्या आएगा। अब देखो यहाँ भी हमको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, कैसे करेंगे सवाल को, देखो कैसे करेंगे हम, मान लो ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं पहले, ये छोटा लग रहा है मेरे को। देखो अगर हम 4 का स्क्वायर करें प्लस 5 का स्क्वायर करें, जो भी संख्या देंगे स्क्वायर का ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 का होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 1 का तो 1 ही होता है, तो 16 25, समझो 16 25 कितना होता है 41, 41 में जोड़ेंगे 42, यही आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है ना। एक और हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं अगर ये लॉजिक चल रहा है तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 25 4, तो 25 4 29, 29 9 जोड़ेंगे कितने का 38, यानी हमारा लॉजिक सही चल रहा है। अब हमको क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है ना, इसको सॉल्व करना है, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, अब कर लो भैया 9 16 49, तो ऐड कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ऐड कर लो भैया, तो 9 9 18, 18 और 6 24, 24 का 4, देखो 4 वाला इकाई वाला ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, बाकी ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो 4 और 1 5 कितना हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ठीक तो कर रहा हूँ मैं, 9 6 15, अरे गड़बड़ करोगे, गड़बड़ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया फ्रेंड, गड़बड़ हो गया, 49 था 16 था और 9 था, अब जोड़ेंगे ना, 9 6 15, 15 9 24, हाथ से लगा दो, 4 और 1 5 2 7, 74, तो राइट आंसर होगा हमारा 74, जो कि ऑप्शन नंबर 3rd को दिया हुआ है,
हो गया सवाल, कुछ नहीं था। तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने लॉजिक को समझा। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। देखो लॉजिक समझ, जैसे आप समझ जाएंगे ये, आप जब समझ पाएंगे ना, जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेंगे, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है ना। और ये बहुत ईजी सवाल है भी रीजनिंग के, जो अभी तो बहुत से अच्छे तगड़े तगड़े सवाल पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में, समझ लीजिए। तो वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा, ईजी से लेके हार्ड तक मैं सब क्वेश्चन करा लूंगा, एक दो दो क्वेश्चन में से, ताकि आपको जब पेपर पर बैठे हो बैचा क्वेश्चन अगर फंस जाए किस्मत में आपके, हो अगर मेरा पढ़ाई हुआ आ गया वहाँ पर, तो आप समझ लो आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपकी खुद की मेहनत है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही बड़ा मॉक टेस्ट लेके आ पाया, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं ला पाया मैं आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन इतना ही आप कर लेंगे तो बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। और शाम को अगर टाइम मिलेगा तो मैं कट ऑफ की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, अगर तबीयत मेरी ठीक रही, ठीक है ना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।